वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वेब फ्रॉक फॉर 6 to 7 ईयर बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम टॉप का पार्ट कट करेंगे, तो फोल्डेड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। और यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, वो हम लेंगे 7.5 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हमें लेनी है 9 इंचेस और यहाँ से कमर की ब्रॉडनेस हम लेंगे 7 इंचेस और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 3 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप बनाते हुए हमें नेक ड्रॉ करना है फ्रंट और बैक के लिए इस तरीके से। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए टॉप पार्ट के, इस तरह से। अब यहाँ पे आर्म होल और नेक पार्ट के शेप में हमने इस तरह की स्ट्रिप्स कट की हुई, जिसे हमें आर्म होल पे और नेक पार्ट पे उल्टा रखना है इस तरीके से। स्ट्रिप्स को हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई करनी है आर्म होल में, नेक पार्ट में और आर्म होल में हमें सिलाई करनी है इस तरीके से दोनों पार्ट्स में। ये देखिए, हमने सिलाई कर ली है आर्म होल्स में और नेक पार्ट में। और यहाँ पे अब हल्के हाथों से अब नोचिस लगाएंगे जहाँ भी हमने सिलाई की है वहाँ पे, हल्के हल्के हाथों से हमें कट्स लगाने हैं इस तरीके से। और कट्स लगाने के बाद स्ट्रिप्स को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करना है इस तरीके से और हमें सिलाई करनी है और सभी आर्म होल और नेक पार्ट को हमें रेडी कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे बॉटम पार्ट बनाने के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीसेस कट किए हैं फैब्रिक से, जिससे हमें हाई लो शेप बनाने हैं, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 41 इंचेस और लेंथ हमने रखी है फ्रंट पार्ट के लिए 16 इंचेस और बैक पार्ट के लिए हमें यहाँ पे शेप ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को मार्क कर लेंगे सीधा बैक पार्ट पे इस तरीके से, दोनों साइड पे हमें मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पे फ्रंट का पार्ट हमें अलग करना है और इस बैक पार्ट को हमें 2 फोल्ड करना है इस तरीके से। मार्क को ऊपर रखते हुए हमें इसे 2 फोल्ड करना है और यहाँ पे हमने जो मार्किंग की है वहाँ से हमें इस तरीके का शेप ड्रॉ करना है और यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हम यहाँ तक फोल्ड एरिया तक इसे ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे इसकी लेंथ हमने ली है 23 इंचेस और हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हम बैक का पार्ट इस तरीके से हमने कट कर लिया है और इसके ऊपर हमें फ्रंट का पार्ट अरेंज करना है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब यहाँ पे हमने फैब्रिक से इस तरह के 2 स्ट्रिप्स कट की हुई है, जिससे हमें दोनों पार्ट पे नीचे वाले बॉर्डर पे हमें इसे अटैच करना है और हमें डेकोरेट कर लेना है बॉटम पार्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी जो नीचे वाले बॉर्डर है इसे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई करनी है 1 साइड को। ये देखिए, हमने डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर दी है रॉन्ग साइड पे एक बॉर्डर को और अपर बॉर्डर पे हमें बड़े नंबरों की सिलाई करनी है यहाँ पे दोनों स्ट्रिप्स में। और यहाँ पे हम गैदरिंग करेंगे
ये देखिए हमने सिलाई कर ली है और यहाँ पे हमें गैदरिंग करना है। तो एक धागे को अलग करके एक हल्के हाथ से हमें खींचते जाना है और यहाँ पे इस तरीके से पूरे स्टिप्स में हमें गैदरिंग करते हुए रफल बनाना है। दोनों स्टिप्स में ये देखिए हमने दो रफल बना ली है और यहाँ पे दोनों पार्ट की जो नीचे वाले बॉर्डर है इसके ऊपर हमें से अरेंज करना है। बॉर्डर को मिलाते हुए उल्टा रखना है हमें और हमें सिलाई करनी है और यहाँ पे जो हमारा बैक का पार्ट है इसके ऊपर भी हमें नीचे वाले बॉर्डर को मिलाते जाना है और हमें सिलाई करनी है उल्टा रखते हुए। ये देखिए हमने दोनों रफल अटैच कर ली हैं और दोनों बॉटम पार्ट को हमने डेकोरेट कर लिया है। अब यहाँ पे दोनों पार्ट के अपर बॉर्डर पे हमें बड़े नंबरों की सिलाई करनी है और यहाँ पे हम गैदरिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें गैदरिंग करना है और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में हम गैदरिंग करते हुए दोनों बॉटम पार्ट को हम रेडी करेंगे हाई लो के लिए। ये देखिए हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं और हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे यहाँ पे हमें अरेंज करना है इस तरीके से और अपर बॉर्डर को मिलाते हुए हमें इसे उल्टा रखना है बॉटम पार्ट पे टॉप पार्ट को और हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम ज्वाइंट कर लिए हैं और दोनों पार्ट को हमने राइट साइड पर टर्न कर लिया है और एक को राइट रखते हुए दूसरा हमें उल्टा रखना है इसके ऊपर और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाएंगे हम फ्रंट और बैक को। और अच्छे से मिलाने के बाद दोनों शोल्डर में हमें सिलाई करनी है और दोनों तरफ से 1 इंच की डिस्टेंस पे सिलाई करते हुए फ्रॉक को फिटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं और दोनों तरफ से 1 इंच की डिफरेंस पे सिलाई करते हुए फ्रॉक को हमने राइट साइड पर टर्न कर लिया है और इसी के साथ ये बे फ्रॉक हमारा रेडी है। तो अब तैयार है हमारा डिज़ाइनर बे फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ इस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।